Hello students, I am Vaishali, English language trainer. Welcome to my YouTube channel, New Urban Computer Classes. तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को क्लिक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी अपने लास्ट वीडियो में आस्किंग फॉर समथिंग चैप्टर सीखा था, आस्किंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो आज की आपकी वीडियो में क्लास होगी ऑफरिंग फॉर गेस्ट या प्यूपल, ऑफरिंग फॉर गेस्ट एंड प्यूपल। आपके घर पर गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, आप उसको किस तरह से ऑफर करेंगे? ऑफर करते हैं सब लोग हिंदी में ही करते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ऑफर करेंगे? कभी कभी चांस ऐसा हो जाएगा कि कहीं पर आप जा रहे हैं गेस्ट बनकर, तो सामने वाले पर्सन आपके लिए बोल रहा है, इंग्लिश में ऑफर कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से आंसर देंगे? अब सामने वाले इंग्लिश में बोल रहा है तो आप भी उसको इंग्लिश में ही आंसर देंगे या हिंदी में देंगे? इंग्लिश में देंगे। तो देखिएगा हम ऑफर कैसे करते हैं अपने गेस्ट के लिए, ऑफर किस प्रकार करेंगे। देखिए, गुड का यूज करा था हमने लास्ट वीडियो में, यहाँ हम करेंगे गुड का यूज। वुड यू लाइक टू हैव अ, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ आपको ध्यान रखने का पॉइंट ये है, आप प्लीज का यूज नहीं करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज प्लीज का रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। प्लीज इसलिए नहीं, आप रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं करेंगे, तो सामने वाले की मर्जी वो ले या नहीं ले, इसलिए आप सिर्फ उसको ऑफर कर रहे हैं, प्लीज का यूज नहीं करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक ग्लास पानी लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक ग्लास पानी लेना पसंद करोगे? ट्राई करें एक बार, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ और चेंज करना है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ ग्लास की जगह हम कप बोलेंगे, एंड वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस। एज यू विश, जो आप चाहें यहाँ वो एड कर सकते हैं, इसलिए आप ऑफर करेंगे वुड से करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करोगे? ये तो अभी भी क्वेश्चन बोल दिया, ये तो आपने, अब इसका आंसर कैसे बोलेंगे आप? आंसर कैसे बोलेंगे? देखिए, चाहिए आपके लिए तो बोलेंगे श्योर, चाहिए तो क्या बोलेंगे? श्योर। सपोज है सामने वाला पर्सन आपसे बोला है वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप क्या बोलेंगे? चाहिए तो आप बोलेंगे श्योर, एंड जब वो आपको दे दे तो आप बोलेंगे थैंक्स, श्योर थैंक्स, ओके। श्योर बोलेंगे तब आपको चाहिए, और जब आपके सामने वो चीज पेश हो जाए तब आप बोलेंगे थैंक्स। ये नहीं आप एक साथ ही बोले श्योर थैंक्स, इट्स आर रॉन्ग, ओके। श्योर बोलेंगे पहले, जब आपके सामने वो चीज आ जाए तब बोलेंगे आप थैंक्स, ठीक है। भाई ये तो बात हो गई, जब आपको चाहिए तब बोल दिया, आपको नहीं चाहिए तब क्या बोलेंगे? नो थैंक्स, नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद, जी नहीं धन्यवाद, नहीं चाहिए, ठीक है। किस तरह से बोलेंगे? नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद, ठीक है भाई। ये बात हो गई, आपको चाहिए। और एक कंडीशन हमारी ऐसी आती है जो चीज हम बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं, हमें उस चीज की एकदम तरफ लग रही होती है। देखिए, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है, बहुत तेज प्यास लग रही है, और आप कहने ही वाले थे कि मुझे पानी चाहिए, सामने वाले ने आपसे पूछ लिया पानी पियोगे क्या, तब आप क्या कहोगे? सामने वाले ने बोला वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तब आप क्या बोलेंगे उस कंडीशन में? श्योर, श्योर आई वुड लव टू, क्या बोलेंगे? श्योर आई वुड लव टू, आई वुड लव टू, मतलब आपको उस चीज की एकदम चाव दे, तरफ लग रही है उस चीज की, बस जल्दी से मिल जाए, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे श्योर आई वुड लव टू। ये पूरा सेंटेंस एक साथ ही बोलेंगे श्योर आई वुड लव टू, ओके, श्योर आई वुड लव टू। ये कंडीशन कौन सी आई? चाहिए आपको तो श्योर थैंक्स, नहीं चाहिए नो थैंक्स, और आपको भी कंडीशन ही चेंज हो रही होगी, श्योर आई वुड लव टू, ओके, ठीक है। ये तीनों बात समझ आ गई, आप हमारी कंडीशन होती है, मैंने अभी अभी खाया है, मैंने अभी अभी, आप अभी अभी चाय पीकर आए, ठीक है, आप अपने फ्लावर हाउस गए, ठीक, अब उसने बोले चाय पी लो, चाय पियोगे? उसने बोले वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तब आप क्या कहोगे? अभी अभी पिए, मैंने पी कर आया हूँ, इस तरह से बोलते तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई हैव जस्ट टेकन, क्या बोलेंगे? आई
जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी ली है, मैंने अभी अभी खाया है, मैंने अभी अभी पिया है। यहाँ पे ईट या ईट का यूज नहीं करें, ना ही ड्रिंक का यूज करें, दोनों के लिए हमने टेक एक कॉमन वर्ड है, चाहे खाया हो या पिया हो, आप टेक का यूज बोले, ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन, टेक का ही यूज करेंगे। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी अभी खाया है, या फिर मैंने अभी अभी पिया है, अभी अभी चाय पी है। ओके, चारों पंक्ति समझ गई। अब एक कंडीशन ऐसी होती है, हमें कहना है मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भरा हुआ है, तब क्या बोलेंगे आप? आई हैव, मेरा पेट भरा हुआ है, तो यहाँ क्या बोलेंगे आप? आई हैव टेकन टू माई फिल, आई हैव टेकन टू माई फिल, यानी मेरा पेट भरा हुआ है। यहाँ आपके फाइव सेंटेंस है, फाइव आंसर है। श्योर थैंक्स चाहिए आपको? नॉर्मल बोलेंगे श्योर थैंक्स, नहीं चाहिए नो थैंक्स, एंड आपको उस चीज की बहुत ज्यादा चाहत लग रही, एकदम तरफ लग रही, श्योर आई वुड लव टू। ओके, मना करना, मैंने अभी भी खाया है, आई हैव जस्ट टेकन, बिल्कुल ही मना करना है, मेरा पेट भरा हुआ है। आई हैव टेकन टू माय फिल, क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन टू माय फिल, डायरेक्टली बोले नो थैंक्स, आई हैव टेकन टू माय फिल, जी नहीं धन्यवाद, मेरा पेट भरा हुआ है। ओके, आई होप आपको ये सब पूरा चैप्टर समझ आया हो, वुड का यूज एंड लास्ट वीडियो में कुड का यूज भी समझ आ गया होगा। तो ठीक है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स टू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।